वेलकम टू साइटन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं 12th का सेकंड चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके कुछ लेक्चर्स जो है हमने दो लेक्चर्स की बात जो है हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो बताया था कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है लघु बीजाणु जनन कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि मेल गैमेटोफाइट का जो है किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो हम बात कर चुके हैं कि नर युग्मकोद्भिद जो है वो कैसे बनता है, ठीक है ना। यानी कि पॉलन ग्रेन जो है वो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, हमने पूरे एंथर की स्ट्रक्चर देखी थी, पराग कोष की संरचना देखी थी। इसके बाद आज जो है हम एक तो करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट की जो नर युग्मकोद्भिद है उसका विकास कैसे होता है। तो मैं कुछ लास्ट लेक्चर से आपको बताती हूँ कि हमने बात की थी कि माइक्रोस्पोर जो था लघु बीजाणु था, ये हमने उसकी संरचना बनाई थी, और इसके अंदर मैंने एक न्यूक्लियस बनाया था, केंद्रक बनाया था, और फिर मैंने आपसे कहा था कि इस पे स्पोरोपोलिनिंग जो है इसकी आउटर मोस्ट लेयर पाई जाएगी, सबसे बाहरी परत जो है वो क्या मिलेगा, इसमें स्पोरोपोलिनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इतनी बात हमने कही थी और इसे हमने कहा था पॉलन ग्रीन, परागकण, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो बाहरी परत है पॉलन ग्रीन परागकण की जो सबसे बाहरी परत है उसपे एक तो आउटर मोस्ट लेयर जो है इसकी वो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। तो इसकी सबसे बाहरी परत जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है इसे हम नाम देते हैं एग्जाइम। बाह्य चूल, इसके जस्ट अंदर की तरफ जो है इसमें एक आंतरिक परत और पाई जाती है, एंटाइम, अंतःचूल। बाहरी परत एग्जाइम होती है, एंटाइम, अंतःचूल जो है वो आंतरिक परत होती है, और पॉलन ग्रेन जो है परागकण इसमें भरा होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेल गैमेटोफाइट कि जो नर युग्मकोद्भिद है वो कैसे विकसित होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जब अंकुरित होगा, ठीक है, क्या होगा, अंकुरित होगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो है इसके अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, नर युग्मकों का निर्माण होगा। अभी इसके अंदर कोई भी मेल गैमेट हमें नहीं नजर आ रहा है, तो अब हम बात करते हैं कि मेल गैमेट जो है वो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आपने कहा कि जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस केंद्र के अंदर जो है वो विभाजन हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो विभाजन हो जाएगा, और ये विभाजन होकर के जो है ये दो केंद्रक बना लेगा, ठीक है। इसने क्या कर लिया, दो केंद्रकों का निर्माण कर लिया, और ये जो दो केंद्रक है ये एक वॉल से, एक भित्ति से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसे हम इसलिए जो है ये क्या होंगे कि दो केंद्रक जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे अलग होते जाएंगे तो ये दो कोशिकाओं का रूप ले लेंगे, दो सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो
जैसे ही ये सेल ये जो न्यूक्लियस थे ये एक दूसरे से अलग हुए तो इन्होंने दो कोशिकाओं का रूप ले लिया, ठीक है ना। क्या बन गई यहाँ पे हमें दो सेल्स देखने को मिल गई। ठीक है, पहले एक सिंगल न्यूक्लियस था, एक सिंगल केंद्र था और फिर उससे क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने लगे, अलग होने लगे और फिर इन्होंने दो कोशिकाओं का निर्माण कर लिया जो बड़े आकार की कोशिका है। इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ये होती है वेजिटेटिव सेल का एक कोशिका। और जो छोटे आकार की कोशिका है ये होती है जर्म सेल, जनन कोशिका। ठीक है, तो यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर अब हम बना सकते हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं बन चुकी है, वो कौन कौन सी है यहां पे चलो इसके अंदर अपन आपको नेक्स्ट में बताती हूं कि ये रही हमने कहा ये क्या है, एंजाइम है, ये है एंजाइम, अंतःचोर हो गई। ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी हुई है, एंजाइम के ऊपर स्पोरोपोलिनिन पाया जा रहा है। ठीक है, ये स्पोरोपोलिनिन है और अब हमने कहा कि एक कोशिका बनी इसके अंदर बड़े आकार की वेजिटेटिव सेल है और एक है जर्म सेल, जनन कोशिका। ठीक है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट है, कोशिका द्रव्य। अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये है स्पोरोपोलिनिन। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ऐसी जगह है जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जा रहा है, तो ध्यान रखना कि जो जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है तो वहां पे एक्चुअल में उस जगह को हम कहेंगे क्या कहेंगे, जर्म पोर। ठीक है, इसे हम कहेंगे जर्म पोर कहेंगे, जनन छिद्र कहेंगे। और अब इनके फंक्शंस कि एग्जाइम का क्या काम होता है, एग्जाइम एंड स्पोरोपोलिनिन इन दोनों का काम होता है पॉलन ग्रेन की परागकण की सुरक्षा करने का काम होता है। जो भी आउटर मोस्ट लेयर जब भी एपिडर्मिस पाई जाती है किसी कोशिका की तो वो सुरक्षा का काम करती है, तो जो पॉलन ग्रेन है उसकी सुरक्षा का काम कौन करता है, एग्जाइम और स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है इस पे क्वेश्चन बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए कि स्पोरोपोलिनिन एक हार्ड मटेरियल होता है जो इसकी मदद करता है कि जो भी परागकण है उसकी जितनी भी हाईली एसिडिक रीजन होगा, जो पीएच जिसके अंदर काफी लो होगी तो वहां पे सरवाइव करने के अंदर भी जो है परागकण को हेल्प करेगा स्पोरोपोलिनिन। ये जल्दी से जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, विघटित नहीं होता है, इसी कारण से जो है परागकण जो है वो काफी सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके परागकण जो है हमें उसके फॉसिल्स भी मिले हैं, जीवाश्म भी देखने को मिले हैं। तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो कुछ जगहों पर जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है उन्हें हमने कहा जर्म पोर, जनन छिद्र। अब ये क्या है, यहां पे क्या होगा कि जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है तो वो हार्डनेस दे रहा है उसको, लेकिन कुछ ऐसी जगह है हमें पता है कि परागकण क्या होगा, स्फुटित होगा, ठीक है ना, उसका क्या होगा, डिस्पर्जन होगा और वो जब भी वो फटेगा तो उससे क्या निकलेंगे, मेल गैमेट फ्री होंगे। तो जब एक हार्ड सब्सटेंस बाहर प्रेजेंट है एपिडर्मिस के ऊपर तो वो जो है वो जर्मिनेट कैसे होगा, तो उसके अंकुरित होने के लिए जो है कुछ ऐसी जगह चाहिए थी जहां
जहाँ पे वो हार्ड सब्सटेंस स्पोरोपोलिन एब्सेंट हो। तो जर्म पोर जो है वो वहां से क्या होते हैं, वहां से परागकण का क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, अंकुरण होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटाइम। एंटाइम जो अंतः चोल है ये एक्चुअल में क्या करेंगे कि जब हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन पढ़ेंगे कि जब इसका जर्मिनेशन होगा परागकण का तो वहां पर एक पॉलन ट्यूब बनेगी कि ये एक्साइम है ये एंटाइम है, तो एक पराग नलिका का निर्माण होगा और पराग नलिका जो है वो बनेगी इसी एंटाइम से, ठीक है। ये इस एंटाइम का काम है पराग नलिका का निर्माण करना, जिसके थ्रू होकर मेल गैमेट्स जो है नर युग्मक जो है वो क्या होंगे आगे ओवरी तक एंटर करते हैं, ठीक है ना, ओवरी के अंदर एंटर करेंगे। तो इस पराग नलिका का निर्माण कण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो एंटाइम के द्वारा किया जाता है। तो इनके स्ट्रक्चर्स के नाम और इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव सेल के फंक्शन की कि कायिक कोशिका जो है वेजिटेटिव सेल जो है वो इस स्पोरोपोलिनिन के अंदर जो है पॉलन ग्रेन जो है, इस पॉलन ग्रेन की जो है स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है और ज्यादा इसका कोई रोल नहीं होता है, ये आगे जाकर के जो है वो डीजनरेट हो जाती है। तो इसके इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में नहीं रखना है। मेन आता है जर्म सेल कि ये जो जर्म सेल है जनन कोशिका है, वास्तव में यही एक ऐसी कोशिका यही एक कोशिका है जो कि मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। यही आगे जाकर के जो है क्या डिवाइड करेगी और ये कोशिका आगे विभाजन करके जो है मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। एंजियोस्पर्म के अंदर जो है जनन कोशिका विभाजन करके दो मेल गैमेट दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो वास्तव में अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर है तो आप कहेंगे कि एक कोशिका है सिंगल है तो क्या हो गई ये यूनिसेल है, ठीक है। एक कोशिका है एक कोशिका है, फिर इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, पहले एक ही है तो ये क्या होगा यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है। एक केंद्र क्या होता है ठीक है ना। तो ये आपको पॉलन ग्रेन के बारे में ध्यान रखना है कि पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होने लग जाता है तो उसके अंदर क्या जो है उसका क्या चेंजेस आते हैं कि डेवलपमेंट के दौरान जो है वो कौन कौन सी कोशिकाएं बनती है। दो न्यूक्लियस बने ठीक है, केंद्र बने, दोनों में स्प्लिटिंग हो गई तो दो कोशिकाएं बन गई, ये न्यूक्लियस है ये कोशिकाएं हैं। वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ और इनके अंदर जो है आपको फाइनल जो है एक स्ट्रक्चर देखने को मिली एंड इस सब का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो जर्म सेल किस तरीके से करती है। अब हम इस जर्म सेल की बात कर रहे हैं, जनन कोशिका के बारे में बात करते हैं कि ये हमने कह दिया परागकण है, ये हमने बना दी वेजिटेटिव सेल, ठीक है, कायिक कोशिका बना दी और फिर हम ये बना रहे हैं जर्म सेल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे जब हम कहते हैं कि परागकण जो है वो आगे जाके क्या करेगा पॉलिनेशन करेगा, पॉलिनेशन का मीनिंग कि वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर के जो है जर्मिनेट होता है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या जाएगा पॉलन ग्रेन जाएगा और देन फर्टिलाइजेशन होगा,
यानी कि पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब भी पॉलिनेशन होता है वहां पे स्टिग्मा के ऊपर जाकर के जो है ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, और वहां पर जर्मिनेट होने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होगा पॉलन ट्यूब का, एक पराग नलिका का निर्माण होगा। और पराग नलिका का निर्माण कौन करता है? पराग नलिका का निर्माण एंजाइम करती है, हम बात कर चुके हैं, सॉरी एंजाइम करेगी अंतर जो एंजाइम जो है वो क्या कर रही है, वो खुद पूरी जो है ये जो पूरा स्तर जो था, पूरी लेयर जो थी वो एक ट्यूब के फॉर्म में आ जाएगी और वो स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए जो है ओवरी में, ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी, बीजांड में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले पॉलन ट्यूब में आगे जाएगी वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वो आगे की तरफ जाएगी और फिर उसके बाद में जो है जर्म सेल आगे उसके साथ साथ जाती रहेगी। और फिर स्टाइल के अंदर जो है वहां पर क्या हो जाएगा कि जो जर्म सेल है वो यहाँ विभाजन कर लेगी, और ये विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन करेगी, मियोसिस करेगी, और ये दो अगुणित कोशिकाओं को हैप्लॉइड सेल्स, दो हैप्लॉइड सेल अगुणित कोशिकाओं को बनाएगी और यही होंगे मेल गैमेट्स। ठीक है, यही है नर युग्मक। ठीक है, ये है नर युग्मक। तो इस तरीके से जो वेजिटेटिव सेल है उसका कोई खास फंक्शन नहीं है, जैसे कि वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर वो हमेशा डीजनरेट हो जाती है, और उसके बाद जो कि जर्म सेल थी वो जर्म सेल ने क्या कर दिया, हैप्लॉइड सेल्स को बना लिया है, मेल गैमेट्स को बना लिया है, तो वो मेल गैमेट्स आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर है ना? फिर जो है इतना अपन ने बात करी कि ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हम मेल गैमेटोफाइट जो है हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा, पॉलन ग्रेन किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हमें जो डेवलपमेंट देखने को मिला है वो दो स्टेप में देखने को मिला, एक तो पॉलिनेशन से पहले जब वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल बनी, दूसरा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला पॉलिनेशन के बाद जहां पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, तो ये दो स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं कि पॉलिनेशन से पहले और पॉलिनेशन के बाद परागण की क्रिया। ठीक है ना, ये इतना टॉपिक हुआ। अब नेक्स्ट जो है, कभी कभी जो है कुछ प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो पॉलन ग्रेन्स है जो कि बहुत ही माइन्यूट छोटी सी स्ट्रक्चर होती है वो एक दूसरे के साथ काफी, कभी कभी दो पॉलन ग्रेन्स जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, कोई किसी भी एक पॉइंट से अगर वो साथ में जुड़े हुए हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलिनियम। ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉलिनियम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉलिनियम हुआ, पराग पिंड इसे बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं ये आगे जाके क्या करेंगे, इन्हें पॉलिनेशन करना है, जो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तो उसमें इसके बारे में मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि पॉलिनेशन जो होता है वो होता है स्टिग्मा के ऊपर जाना। ठीक है ना, पॉलन ग्रेन किसी भी एजेंट के थ्रू जो है ये अचल होगा, जाहिर सी बात है नॉन मोटाइल है ये, इसके अंदर कोई भी फ्लैजिला या सीलिया नहीं मिलते हैं, तो नॉन मोटाइल होगा, और ये किसी भी हवा के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू जो है वो क्या जाएगा, आगे से आगे जो है वो ट्रांसफर होगा स्टिग्मा के ऊपर। फिर जो है कभी कभी क्या होता है कि पॉलन जो जितने भी इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होने वाला है, यानी जो इंसेक्ट जो है वो क्या ले जाने वाले हैं, परागकणों को ले जाने वाले हैं, उनके लिए इस चीज के लिए परागकणों के ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है, स्लाइमी सब्सटेंस सा मिलता है, और उसे हम नाम देते हैं पॉलन किट। ये कुछ छोटे छोटे वर्ड है, पॉलिनियम है, पॉलन किट है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। पॉलन किट क्या है, एक चिपचिपा सा पदार्थ है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और इंसेक्ट से जो है चिपकने में हेल्प करता है उन परागकणों को, जिससे वो स्टिग्मा के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी अपन ने जनरल बात करी, और ये पूरा टॉपिक जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम पढ़ेंगे इसमें कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कैसे होता है, पॉलिनेशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ना है आपको, ध्यान रखें अपनी बुक और जो भी एक्स्ट्रा है उस चीज को पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।